जो भी सुलूक उन्होंने सोलेहा के साथ किया उनको अल्लाह पूछे। वो है तो सोलेहा की सास। आपने किस लहजे में बात की है उनसे, कोई अंदाजा है आपको? को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भुगतना तो सोलेहा को पड़ेगा ना। बहुत सब्र करिए मैं। अब जो जैसा सुलूक मुझसे करेगा मैं भी वही जबान इस्तेमाल करूंगी। अभी जाऊंगी सोलेहा के घर। खुदा के लिए कुछ रहम करें, सोलेहा की हालत देखिए, वो माँ बनने वाली है। तो उन्हें कदर करनी चाहिए ना, मुझे क्यों समझा रही है? तुम्हारी खुश इखलाकी से शायद वो लोग मुतासिर हो जाए जिन्होंने मार पीट के सोलेहा को घर से निकाला है, जाहिल औरत। तो देखभाल की शादी करनी चाहिए थी ना आपको सोलेहा की। एक बार गलती कर बैठी दोबारा नहीं करूंगी। तुम्हारी दफा ना तुम्हारे ससुराल वालों की जुबान नाप लूंगी मैं पहले से कि कितनी लंबी जुबान है तुम्हारे ससुराल वालों की। जाहिल औरत कह रही थी कि गैर महरम के पास क्यों छोड़ के आई सोलेहा को। आप तो जानती है ना उसके ससुराल वालों की जहनीयत को, तो फिर आप क्यों सोलेहा को अकेला अपने घर छोड़कर यहाँ आ गई? वो लोग कितने बदनीयत है इस बात का अंदाजा मुझे बहुत अच्छी तरह से। मुझे मत समझाओ, बारा मैं तुमसे उलझ नहीं है। मैं यहाँ जोया के खातिर आई थी और अगर जोया यहाँ ना होती तो मैं कभी यहाँ का रुख भी नहीं करती। जाए, आप जाए ले जाए जोया को, उसका नसीब। आपने जो करना है आप करें उसके साथ। उसके हाथ में मोबाइल देकर रखें हर वक्त, अपनी जिंदगी में जो आप चाहती हैं आप वो करें। आप ले जाएं जोया को, आप खुदा के लिए आप, लेकिन जाइए यहां से। तुम मुझे घर से निकाल रही? हानिया मैं तुम्हारी माँ हूं, जन्म दिया है मैंने तुम्हें।